losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. OnePlus Watch 2 जो OnePlus S3 Pro के साथ ही लॉन्च हुए, जिसका मैंने अनबॉक्सिंग ऑलरेडी कर दिया है. सुपर डिजाइन, कई सारे हेल्थ सेंसर, गुड बैटरी लाइफ एंड मैनी मोर. दोस्तों, आज मैं OnePlus Watch 2 का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन बताने वाला हूं. मेरा नाम मिलन है और आप देख रहे टेक स्ट्रीट. और जैसे कि आपको पता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल में देखने मिलते हैं. तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए और अगला गिव अवे देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल कर दीजिए और हमारी टेक टीम को ज्वाइन करिए, ताकि आपको लेटेस्ट ऑसम टेक अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके जैसे हम नया वीडियो अपलोड करते हैं. तो ये है OnePlus Watch 2 और OnePlus Buds 3 के बॉक्सेस, पर इस बार दोनों एक्सेसरीज ग्रीन कलर में मिल जाती है. तो ये है OnePlus Watch 2 जो सिलिकॉन स्ट्रैप और डबल क्राउन के साथ आती है. डायल पार्ट में एसिमेट्रिकल डिजाइन मिलती है और वॉच का वेट भी करीब 60 ग्राम्स का ही है जो स्ट्रैप के साथ है. वॉच को स्टार्ट करने के बाद आप डायल देख सकते हैं, लाइट कलर में मिल जाता है. डायल में बेजल्स बहुत ही ज्यादा नहीं है, तो ओवरऑल स्क्रीन टू बॉडी रेशियो भी ज्यादा मिलेगा और वॉच में कई सारे वॉच फेसेस भी मिल जाते हैं. एक्चुअल इफेक्ट्स यहाँ पे देख सकते हैं और OnePlus की ऐप में भी डिफॉल्ट वॉच फेसेस कई सारे मिलेंगे. क्राउन को प्रेस करने पे मेनू मिल जाता है और एनिमेशन भी काफी अच्छा मिलता है और स्मूथ मिलता है. ये भी लैग देखने को नहीं मिलते और इस वॉच में ई सिम कार्ड का सपोर्ट भी मिल जाता है. विदाउट फोन आप इस वॉच से कॉल भी कर सकते हैं और इस वॉच में कई सारी थर्ड पार्टी एप्स भी मिल जाती है और मैप की एप्लीकेशन भी मिलती है जो, और मैप का लोकेशन आपको एक्यूरेट मिल जाएगा क्योंकि वॉच में ड्यूल फ्रीक्वेंसी जीपीएस सपोर्ट मिल जाता है. तो लोकेशन तो एक्यूरेट ही मिलने वाला है और वॉच में रियल टाइम कैमरा स्क्रीन भी मिल जाती है. बाकी चाइना में इस वॉच में कई सारी एनएफसी सपोर्टेड कार कीज भी मिलती है जो फीचर अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है. तो इस फीचर से आपको कार की कीज साथ में रखनी नहीं पड़ेगी, आप इस फोन से ही कार को एक्सेस कर सकते हैं. बाकी इस वॉच में कई सारे स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाते हैं और एज यूजुअल वॉच में हेल्थ फीचर्स तो मिलने ही वाले हैं. हार्ट रेट, ब्लड ऑक्सीजन प्रेशर, स्लीप मॉनिटरिंग जैसे कई सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं. बाकी इस वॉच में बैटरी की बात करें तो स्मार्ट मोड में 4 दिन की बैटरी लाइफ मिल जाती है और लाइट स्मार्ट मोड में 12 दिन की बैटरी लाइफ मिल जाती है. वैसे वॉच में 500 mAh की बैटरी मिलती है और इस वॉच में eSIM सपोर्ट है, तो आप विदाउट फोन इस वॉच के साथ हेडफोन को कनेक्ट करके कॉल भी कर सकते हैं. विदाउट हेडफोन भी चलेगा या लेकिन हेडफोन में प्राइवेसी मिलेगी. बाकी स्पेक्स की बात करें तो OnePlus Watch 2 में स्नैपड्रैगन का W5 Gen 1 प्रोसेसर मिल जाता है जो 4 नैनोमीटर प्लेटफॉर्म पे बना है. IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस रेटिंग मिलेगी. 32 GB की इंटरनल स्टोरेज और 2 GB की रैम मिल जाएगी और 7.5 वॉट्स का वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा. OnePlus Watch 2 की प्राइस की बात करें तो चाइना में 1799 चीनी युआन से स्टार्ट होती है, जो इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो करीब 20,650 तक होती है. तो दोस्तों, आपको OnePlus की वॉच 2 कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप कौन सी स्मार्ट वॉच का यूज करते हैं वो भी कमेंट में बताएं. और दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट फोन के लीक्स, लॉन्च डेट, टेक न्यूज और अगला गिव अवे सबसे पहले देखने के लिए मेरे ट्विटर हैंडल को फॉलो करना ना भूलें. लेटेस्ट फोन और गैजेट्स के 1 मिनट में अनबॉक्सिंग देखने के लिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करना ना भूलें. तो दोस्तों, मिलते हैं अगले लेटेस्ट टेक अपडेट के साथ. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप स्माइलिंग.